हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे जोमेटो के बारे में, जो कि लगातार स्टॉक्स में गिरावट की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, और जिसने भी स्टॉक्स में पोजीशन बनाई है वो सब के सब लॉसेस में है। फिर चाहे वो बड़े प्लेयर्स भी क्यों ना हो, FIs वाले, DIs वाले और साथ में हमारे रिटेलर भाई, वो भी स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर देखने वाली बात यह निकल के आ रही है कि जो FI वाले हैं वो लगातार खरीदारी कर रही है, स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, फिर भी FI वालों ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है। फ्रेंड्स, इस बार भी दिसंबर क्वार्टर में FI की खरीदारी बढ़ी हुई है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और साथ में कुछ अपडेट्स निकल के आई है, साथ में एनालिसिस की क्या राय है, इन सभी बातों को आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा और आगे क्या रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक्स में, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूलें। चैनल बनाए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारी प्राइम सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और अगर मैं देखूं फ्रेंड्स, तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं हमें तकरीबन 33% की गिरावट देखने को मिल रही है, और 1 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमें तकरीबन 28% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी जिसने भी फ्रेंड्स अभी तक, जब से ये कंपनी लिस्टेड हुई है मार्केट में, तब से देखे तो तब से जिसने भी कोई भी लेवल पे पोजीशन बनाई होगी वो सब के सब लॉसेस में है। तो आगे क्या रणनीति रखनी चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कशन करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे एनालिसिस की क्या राय निकल के आ रही है उसके ऊपर एक नज़र करें, तो आप देख सकते हैं फोरकास्टिंग की है। तकरीबन 18 ऐसे एनालिसिस है जिन लोगों ने जोमेटो के ऊपर फोरकास्टिंग दी है, रेटिंग्स दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसमें से 77% एनालिसिस का ऐसा कहना है कि जोमेटो में खरीदारी की जा सकती है, और यहाँ पे जो टारगेट सजेस्ट किया है 2023 तक के, वो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो 2023 तक तकरीबन 226 रुपये तक के अपसाइड के टारगेट निकल के आ रहे हैं। यानी करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 150% का रिटर्न, और मीडियम टाइम फ्रेम पे देखें तो 187 रुपये तक के मूव देखने को मिल सकते हैं 2023 तक। यानी करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 100% के आसपास की तेजी, और लोअर साइड देखें फ्रेंड्स, यानी अगर ख़राब सिचुएशन होती है और कहीं ना कहीं स्टॉक्स नीचे की तरफ लुढ़कता है तो 92 का यहाँ पे सजेशन किया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 92 के भी नीचे स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अभी रिस्क है नहीं फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही कम रिस्क नज़र आ रहा है। अगर आपने छोटे असल के साथ अगर जोमेटो में पोजिशन बनाई, तो अगर यहाँ पर बड़ा मूव आया तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप बड़े मुनाफे यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो FI वाले हैं वो तो पागल है नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स, तो उन लोगों ने तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। तो वो लोग यहाँ पे कंटिन्यू खरीदारी क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो एक समझने वाली बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट तो किया ही नहीं। आप देख सकते हैं 2018 से हम देखें तो 2018 से 2021 तक के आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी ने कंटिन्यूसली लॉस ही किया हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो 2020 में कंपनी ने जो लॉस किया था उससे अब कहीं ना कहीं हमें 2021 में लॉस कम होता हुआ देखने को मिला है फ्रेंड्स। लेकिन अगर लॉस कम भी होता है तो भी एक ये पॉजिटिव पॉइंट साबित होता है। लेकिन अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। और अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो FIs वाले हैं उसकी यहाँ पे लगातार हमें खरीददारी होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने पिछले 3 क्वार्टर से आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली खरीदारी की है जोमेटो में। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 2021 दिसंबर क्वार्टर में भी आप देख सकते हैं 11.31% के आसपास की होल्डिंग FIIs की है फ्रेंड्स। पिछले क्वार्टर के मुकाबले आप देख सकते हैं यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं टाइट करते हुए नज़र आ रहे। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड वालों की भी आप देख सकते हैं होल्डिंग 3.88% के आसपास की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। अगर हम दिसंबर 21 के डाटा देखें तो आप देख सकते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी कमी आई है, म्यूचुअल फंड वालों ने माल बेचा है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है 3.88% के आसपास की, और हमारे रिटेलर भाइयों ने भी कहीं ना कहीं जोमेटो में पोजीशन बनाई हुई है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे इतना कुछ अच्छा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन FI वाले खरीदारी कर रहे हैं एक चौंकाने वाली बात नज़र आ रही है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं तो छोटे रिस्क के साथ ही यहाँ पे आप बड़े मुनाफे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो 80 रुपये या तो फिर 85 रुपये के SL के साथ करंट मार्केट पे भी पोजीशन बना सकते हैं, और अगर आप चाहे तो छोटा भी SL लगा सकते हैं, DLO के SL के साथ आप पोजीशन बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका लंबी अवधि का व्यू है तो हो सकता है आपके पैसे कहीं गुने हो सकते हैं फ्रेंड्स इस स्टॉक्स में।
जो कि ये काफ़ी हाई रिस्क की टॉक सेवेंस नया कंपनी है, बिजनेस कुछ अलग ही टाइप का है, नया है, तो थोड़ा मार्केट को समझने में भी टाइम लगेगा। और अगर कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा ग्रो करेगा, अगर अच्छे डिसीजन लिया जाएगा मैनेजमेंट की ओर से, अच्छे कदम उठाए जाएंगे, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया रिटर्न देने के दम भी रखता है फ्रेंड्स। लेकिन आप अपने रिस्क के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि हाई रिस्क है स्टॉक्स में, लेकिन अगर आपने प्रॉपर एसएल के साथ पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन बनाई जा सकती है। और व्यू लंबी अवधि का रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर 5 साल 10 साल तक भी होल्ड किया तो यहाँ से हो सकता है आपको ये स्टॉक्स मल्टी बैगर होता हुआ नज़र आ जाए। तो आपको अपना एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंगेज करना ना भूले। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।